हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा, जो शिवरात का स्पेशल ये डिश है। तो मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हम क्या क्या सामान लेंगे और कैसे बनाएंगे, और बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे। ना पीसना है, ना चाशनी बनाना है, बहुत ही आसानी से आप घर पर मूंग दाल का हलवा बनाकर खा सकते हैं। और टेस्टी बहुत ही होता है, खाने में लाजवाब होता है। तो देखिए, हमारा मूंग दाल का हलवा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खाने में लजीज है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना देख लेते हैं कि कैसे हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं। और ये देखिए, मूंग दाल का हलवा बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही लजीज होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमने हाफ के जी मूंग दाल ली है, और इसको अच्छे से इसको देख लिया है। इसमें कंकड़ उंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छे से वाश कर लेंगे। हम दो तीन पानी से अच्छे से वाश करेंगे, और इसमें हम गैस दूध डाल करके उबालेंगे। इसको हमें भिगोना कुछ नहीं है, और हाफ के जी जितना हमने दाल लिया है उतना ही हम दूध लेंगे। और दूध डाल करके अच्छे से बॉयल कर लेना है। ये देखिए, इतना तक पका लेना है कि हमारी दाल हाथ से मसलने पर बिल्कुल गल जाए, मैश हो जानी चाहिए। ये देखिए ऐसे। और आज हम बगैर पीसे इस दाल का हलवा बनाएंगे। अब पीसने का झंझट गया, दाल को पीसना करना जाने दीजिए। अब हम इसको देखिए, एक मैशर लिए हैं, दाल को अच्छे से पका लेना है गैस। जितना हमने दाल ली है उतना ही हम दूध डालेंगे, पानी में हम नहीं उबालेंगे। दूध से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इतना तक हमें मैश कर लेना है, बहुत अच्छे से मैश करना है। गरम गरम में ही मैश करेंगे। पकने के बाद, थोड़ा सा भाप निकलने के बाद इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैश हो जाता है ये देखिए। और इसको मैश करने के बाद इसको हम जिस बर्तन में हम इसको बनाएंगे उसमें निकाल लेना है। बिल्कुल फाइन सा होना चाहिए, इसमें एक भी दाना नहीं होना चाहिए गाइज। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, लेकिन हमने इसी मैशर से ही मैश करके बनाया है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है, एक भी दाल मुंह में नहीं आती है। ये देखिए ऐसे मैश कर लेना है। चलिए इसको हम भून लेते हैं। भूनने का प्रोसेस थोड़ा कुछ लंबा होता है दाल, मूंग दाल के हलवे में, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी होता है गाइज, और इसको भूनते बहुत टाइम लगता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा स्टिकी होता है, इसको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भूनना है, और फिर थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट के बाद हमको इस तरह हो जाना है। लाइट चली गई गैस, तो हमने आपको अंधेरे में ही दिखा दिया, और फिर इस तरह से हो जाएगा भूनने के बाद। ये लगभग 25 से 30 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को करने में। और ये देखिए, रवे जैसा हो गया है बिल्कुल। इस स्टेप तक लाने के लिए हमको इतना तक भूनना पड़ेगा, बिल्कुल रवे जैसा होना चाहिए। और इसको लाइट ब्राउन होने तक ये भूनना है, बिल्कुल दानेदार हो जाएगा ये, और रवे जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने बिल्कुल लो गैस पर इसको भूना है। और ये देखिए, गैस की फ्लेम हमने आपको दिखा दी, बहुत ही स्लो चल रही है, और इसको भून लिया है अच्छे से। अब इसमें हम ना चाशनी बनाएंगे, ना इसमें हम कुछ तार वगैरह बनाएंगे। इसमें हम डायरेक्ट शुगर डालते हैं। जितना हमने दाल लिया है गैस उतना ही हम शुगर लेंगे, शक्कर लेंगे। तो शक्कर हमने हाफ के जी ले ली है, और इसको डायरेक्ट डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, तेज़ नहीं करना है गैस, नहीं तो हमारा हलवा जल जाएगा। और इसको धीरे धीरे करके भूनेंगे, और कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए, शक्कर जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा ये गीला होने लगा है। और अच्छे से मेल्ट होने तक, शक्कर बिल्कुल मेल्ट होने तक तब तक इसको हमें भूनना है। तो बहुत अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, 100 ग्राम के करीब घी डाल देते हैं। ये घी डाल करके अच्छे से इसको फिर से भूनेंगे। घी डालना बहुत ज़रूरी है, इस हलवे में घी बहुत ही अच्छा लगता है, और घी से ही हमारा मिक्सचर अच्छा बनता है। तो ये देखिए, घी डाल करके हमने अच्छे से भून लिया गैस। और ये देखिए, हम इसको चेक करके बताते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा हलवा तैयार हो गया। तो इसमें हम 2 चम्मच और घी डाल देते हैं,
और भून लेते हैं अच्छे से, और हाथ में मसल करके देखेंगे कि हमारी शक्कर गढ़ तो नहीं रही है। अगर हाथ में गढ़ रही है शक्कर तो समझिए हमारा हलवा भी तैयार नहीं हुआ है। तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल लेते हैं हाफ चम्मच और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, और आपको हाथ में लेके दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल हाथ से दबाना है और देखना है कि चीनी है। अगर चीनी गढ़ नहीं रही है तो समझिए हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है और एक डोव के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगेगा, तो ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। और इसमें अब हम आप खा करके भी देख सकते हैं कि आपका चीनी मेल्ट हुई है कि नहीं। जब चीनी मेल्ट ना हो, मेल्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो अभी इसको जमाएं आप। और ये देखिए, इसमें हमने जिस बर्तन में घी लगा करके ग्रीस कर लिया और उसमें हम ये सब अपना हलवे का मिक्सचर डाल देते हैं और कलची से दबा देंगे, हाथ से भी दबा देंगे क्योंकि गैस बहुत जलता रहता है ये। और एक प्लेट लेंगे, उसमें घी लगा लेंगे, हाथ से बहुत जल रहा है तो ऐसे करके फ्लैट कर देंगे, अच्छे से स्मूथ सा कर देंगे कि ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फैल गया चारों तरफ और स्मूथ सा हो गया। और इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसको डाल दीजिए। तो इसमें हम काजू खाली डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे, तो काजू हम डाल करके इसमें डेकोरेट करेंगे। तो ये हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। और अच्छे से इसको फ्लैट कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे ताकि हमारे जो काजू लगे हुए हैं वो निकले नहीं। और ये देखिए, हम इसमें चांदी का वरक लगा देते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही पुरानी है, हम लोग बचपन से इसको बनाते चले आ रहे हैं और इसको कट कर देंगे। इस रेसिपी में कोई भी चीज़ कमी नहीं है, आप ऐसे बनाएंगे तो आपका भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसको चलिए हम कट कर लेते हैं, आप जैसी साइज़ चाहें वैसे ही बर्फ़ी इसकी कट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसकी बर्फ़ी कट कर दी है और बहुत ही इजी तरीके से कट हो जाती है, जल्दी ये हार्ड नहीं होता है। और जितना आपको हार्ड करना होगा, इसको ज़्यादा सख्त बनाना हो आप उतना ही इस बैटर को भून लीजिए तो आपका ये हलवा ज़्यादा सख्त हो जाएगा। वैसे ये इसका हलवा बहुत ही सख्त नहीं खाया जाता है, सॉफ्ट ही अच्छा लगता है इसका हलवा, मूंग दाल का हलवा। ये देखिए, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से, इसमें घी ज़्यादा पड़ता है गैस, हमने 200 ग्राम घी का यूज़ किया है, हाफ के जी का ये था, हाफ के जी हलवा बनाया था हमने, तो 200 ग्राम इसमें घी डाला है, घी डाल करके भूनना है हमने। और ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, इसकी बर्फ़ी हमने कट कर ली है। तो आप इसको चाहे बॉक्स में रख करके, चाहे रूम टेम्परेचर पर रख करके 20 से 25 दिन तक आराम से खा सकते हैं, जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है गैस। बहुत लोग कहते हैं कि दूध तो इसमें डाला रहता है, दूध में पका करके, बहुत लोग कहते हैं दूध में पकाने से जल्दी ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग 1 महीने तक आराम से इसको खाते हैं। तो गैस ये देखिए हमारा हलवा अंदर से बहुत दानेदार है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।